हेलो लर्नर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंटेंट लर्नर पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं तो उसी की सीरीज़ में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी होने वाली है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राम सेट टू मोहन आर यू गोइंग होम टूडे तो इसको चेंज कर देंगे इन डायरेक्ट में राम आस्ड मोहन इफ ही इफ ही वॉज गोइंग होम इफ ही वॉज गोइंग होम टूडे को दैट डे में चेंज कर देंगे दैट डे क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज माई फ्रेंड सेट टू मी विल यू नॉट विल यू नॉट हेल्प मी तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड आस्ड मी इफ आई वुड इफ आई वुड नाट हेल्प हिम इफ़ आई वुड नाट हेल्प हिम सैम सेट टू भोपाल डिड यू ईट मैंगोज़ तो ये हो जाएगा सैम स्ट गोपाल इफ ही हैड ईटन मैंगोज इफ ही हैड ईट एन मैंगोव क्वेश्चन नंबर फोर इज सीता सेटू मीना कुड यू सॉल्व द क्वेश्चन यसटरडे तो ये हो जाएगा सीता 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 हास्ड मीना इफ शी कु सॉल्व द क्वेश्चन द प्रीवियस डे द प्रीवियस डे अब चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हफिज सेट टू हनीफ हाफिज सेट टू हनीफ डू यू लाइक दिस बुक तो ये हो जाएगा हाफिज आस्ड हनीफ इफ

इफ आई वॉज गोइंग होम विद हिम क्वेश्चन नंबर सेवन इज डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना सेट द प्रिंस क्वेश्चन नंबर सेवन इसको यहाँ पे करे दे रहे हैं तो ये हो जाएगा द प्रिस इफ ही इफ ही केम इफ ही केम यहाँ पे रियली भी लगा लीजिए इफ ही केम इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना तो हमारा क्वेश्चन था डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना सेट द प्रिंस तो ये हो जाएगा द प्रिंस आस्ट इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे देखते हैं द पुअर मैन इज क्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी तो ये हो जाएगा द पुअर मैन यहाँ पे एट क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हो गया था तो उसी की प्रॉब्लम हो गई है क्वेश्चन नंबर एट है द पुअर मैन एक्स क्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी तो ये हो जाएगा द पुअर मैन एक्स क्लेम्ड इफ नन ऑफ दैम वुड हेल्प हिम क्वेश्चन नंबर नाइन इज डोंट यू नो द वे होम आई आस्क्ड तो इसको इंडैक्ट में चेंज करेंगे आई आस्क्ड इफ़ ही डिड नॉट नो द वे होम डू यू राइट अ गुड हैंड सेट द ओल्ड मैन तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ ही रोट अ गुड हैंड क्वेश्चन नंबर इलेवन इज मोहन सेट टू आकाश हाउ इज़ योअर फादर नाउ मोहन आस्क्ड आकाश देखिए यहाँ पे मोहन आस्क्ड आकाश उसके बाद क्या होगा हाउ लगाएंगे हाउ हाउ हिज फादर हाउ हिज फादर वॉज नाउ को चेंज कर देंगे देन में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व इज सी सेट टू दैम वॉट डू यू वॉन्ट तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड दैम वॉट दे वॉट दे वॉन्टेड चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन से नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज द पुलिस मैन सेट टू द पासर बाई हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग तो इसको देखिए द पुलिस मैन आस्ट द पासर बाई

Asked who would build the cat. Who would bell the cat? Question number sixteen is he said, where is she going? Ho he asked where she was going. Where she was going. Question number 17: the traveler inquired which is the shortest way to station the traveler inquired which was the shortest which was the shortest way to station question number 18 where is the station he inquired jaga he inquired where the station was question number 19 is he asked what have you got in your bag To you jagger he asked what he had what he had got gotten in what he had got यहाँ पे गॉट ही रहेगा वॉट ही हैड गॉट इन हीज बैग ही सेड मैरी वेन इज वेन इज द ट्रेन तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार uh, यूज कर लेंगे ही आस्ट मैरी वेन वॉज दी नेक्स्ट ज द्रेन वेन वॉज दी फॉलोइंग ट्रेन तो आज हमने ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लानिंग थैंक यू